गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एसिड ग्रुप समाप्त करने के पश्चात अब और सब दवा को भी देखते हैं। हमारे नेचर में, प्रकृति में बहुत सारी ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे चीज हैं जो कि दवा के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और होम्योपैथी में समय समय पर नए नए दवाओं का समावेश होता रहा है। सामाजिक सभ्यता और सभ्यता के विकास के साथ हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ जीवन में लाभ होता है और फिर उसमें आकर्षण होता है। आकर्षण, आसानी की ओर और अच्छा लगना सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिसके कारण हम आकर्षित होते हैं। जो आंख को अच्छा लगने लगता है, मन को अच्छा लगने लगता है, उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो यह लालच जो बन जाता है, यह लालच हम लोगों को कोई चीज को जो अच्छा नहीं है वो भी हमारे जीवन का अंग बन जाता है। और इसी तरह से हमारे और बाद में जब वो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाने लगता है तो हम लोग कहते हैं कि ये तो बेकार हो गया, इसे हमें छोड़ देना चाहिए। और तब तक वह इतना आदत बन चुका होता है, समाज में इतना गहराई के साथ में स्थापित हो जाता है कि उसे निकालना संभव नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग के अंदर में और फिर उसे निकालने के लिए उसे हटाने का प्रयास होता रहता है, और इस तरह से हम लोग उसको दवा के रूप में हम लोग उसको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में जो सामाजिक सभ्यता के लिए और आपसी भाईचारा और को निभाने के लिए और एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, आज वह बहुत ही बुरी तरह से हम लोग के जीवन में स्थापित हो चुका है। और वह तंबाकू का प्रचलन एक सामाजिक व्यवस्था के अंदर में समा गया, और कालक्रम में समय के साथ में टबैकम का, तंबाकू का इस्तेमाल सिगरेट के रूप में और बहुत सारे साधनों के रूप में तंबाकू का इस्तेमाल होता रहा। लेकिन बाद में चल करके इसके जो कुछ खामियां पता आने लगे तो लोग सोचे कि यह दवा है, इसके लिए दवा क्या होनी चाहिए। तो लोगों ने इसके एंटीडोटल मेडिसिन बनाने शुरू किए। लेकिन जब होम्योपैथी में यह बात आई तो होम्योपैथी में तो हम लोग जिस चीज से नुकसान होता है उसको ही दवा बनाने का कहते हैं, क्योंकि जो आदमी जिस होम्योपैथी में हम लोग का विश्वास होता है कि जो चीज बीमारी पैदा कर सकता है वही रोग भी पैदा कर सकता है, यानी कि रोग पैदा करने का शक्ति है और उसको वह ठीक करने की भी शक्ति है उसके अंदर में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग का ये टबैकम जो है तो हमारे होम्योपैथी के अंदर में भी इसका प्रवेश हुआ। टोबैकम जो है तो एक कल्टीवेटेड एनुअली हर्बेसियस प्लांट है जो कि सभी जगह पर आप देखेंगे, आसपास के क्षेत्रों में देखिएगा। ये निकोटिनिया जीनस का है और इसके पत्ते बड़े होते हैं और खास करके इसके पत्ते ही तंबाकू बनाने के इस्तेमाल में आते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। ये तंबाकू के पत्ते आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस किए जाते हैं और अलग अलग तरह के व्यवहार होते हैं। आरंभ में तो तंबाकू को दवा के रूप में नहीं लाया गया था, इसे इंटरटेनमेंट के साधन के रूप में आया था, लेकिन बाद में टोबैको इज ए मेडिसिन और इट इज एज निकोटीन एंड वेरियस अदर केमिकल्स इन टोबैको। इसके अंदर में कहा जाता है कि 50 इसके ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं, अल्कोलाइड्स जो हैं तो कार्सिनोजेनिक हैं, आपको निकोटीन बहुत ही प्रधान है ना। दे इंस्टेंस वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को फंक्शन कर अफेक्ट करता है, हार्ट स्ट्रोक, कैंसर, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, मेनरेटिक और इस तरह के सारे ये टोबैको के टॉक्सिसिटी हम लोगों के लाइफ में
इम्पोर्टेंट मेडिसिन माइनर एलिमेंट होम्योपैथी में आने के बाद में इसके बहुत सारे उपयोग देखे, जैसे चक्कर आना, मोशन सिकनेस गाड़ी में चलने से, डायरिया एंड ड्राई कफ, एज वेल एज न्यूमरस सीरियस कंडीशन सच एज एंजिना पेक्टोरिस, हार्ट स्ट्रोक, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एलिमेंट एंड मेनरे डिजीज, ये टोबैको का होम्योपैथी के अंदर में इस्तेमाल होता है। सेंसेशन ऑफ एक्सेसिव रेचेडनेस, तंबाकू अगर आप ना ले और आपकी आदत बनी हुई हो और तंबाकू अगर एक दिन के लिए नहीं मिलता है तो जो स्थिति होती है वो इतना भयावह होता है, इतना रेस्टलेसनेस रेचेडनेस फीलिंग होता है, निराशा, आशा, चिड़चिड़ापन, फॉरगेटफुलनेस और डिसकंटेंटेड फीलिंग्स आ जाता है। यही फीलिंग्स जो है सो इसका जो बीमारी बना, जो मुख्य कारण बना अगर तंबाकू का आदत लग जाने के बाद में, वही सेंसेशन इसका प्राइम सिम्टम्स बन गया। और यह जहां भी इस तरह के सेंसेशन दिखाई पड़ने लगे तो उस पर हम लोग टोबैकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसेशन ऑफ एक्सेसिव रेचेडनेस है ना, वेरी डिस्पोंडेंट एंड फॉरगेटफुल एंड डिसकंटेंटेड। इसका जो हिस्ट्री है, निकोटिना टोबैकम स्पेसिफिक नेम आया है जीन निकोट के नाम से, है ना, जीन निकोट ये रेंट एम्बेसडर टू पोर्टुगल, पोर्टुगल के एम्बेसडर थे, हु वाज द मीन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द टोबैको प्लांट इनटू द फ्रांस इन अबाउट 1560। व्हेन कोलंबस एंड हिज फॉलोअर्स लैंडेड इन क्यूबा इन 1492, द प्रैक्टिस ऑफ स्मोकिंग टोबैको वाज ए कॉमन अमंग द नेटिव थ्रू आउट द आइलैंड and also throughout the continent of America. On their return to Spain, the practice rapidly spread throughout the peninsula. Sir Walter Raleigh and his companion introduced the practice into England in 1586. अब देखिए कितने शताब्दी बीत गए, ये एक छोटे से entertainment के लिए, साधन के लिए 14वीं शताब्दी से ये चला आ रहा है और कोलंबस ने इसे ले जा करके अपने देश में, फिर उस तरह से होते होते आज पूरे संसार का यह एक मसला बन गया। ये टोबैको है सब बिलोंग करता है सोलेनेसी फैमिली का। आप सोलेनेसी फैमिली के विषय में जानते हैं, इसके अंदर में हम लोग के बहुत सारी दवाइयां हैं जिसमें कि बेलाडोना, गलकमरा, हायोसाइमस और स्ट्रेमोनियम है। आप समझ सकते हैं कि टोबैकम के लक्षण में बेलाडोना के लक्षण, डलकमरा, हायसाइमस और स्ट्रेमोनियम के साथ में कितना, ये चारों दवाई आप जो नाम मैं ले रहा हूँ, बेलाडोना, डलकमरा, हायसाइमस, स्ट्रेमोनियम, इसके अंदर में एक्साइटेबिलिटी और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके अपने तरह से हैं और सोलेनेस इसके टोबैकम के इसी, लेकिन एक तरह से ये आप दवा के रूप में, आप जहर के रूप में देख रहे हैं, दूसरे तरह से हम लोग के सब्जी के रूप में, है ना, सब्जी के रूप में जैसे आपके बैगन हो गए, टमाटर हो गए, यह सोलेनेसी फैमिली से आता है। तो इतने बड़े फैमिली का यह सदस्य टोबैकम एक इतना बड़ा जहर भी है और इतनी दवा, बड़ी दवा भी है। और आज टोबैकम के निकोटीन के माध्यम से हार्ट डिजीज के लिए बहुत सारी दवाइयों का खोज किया गया है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज, मिस यूज और एब्यूज, ये जो है तो बहुत व्यवस्थित ढंग से इसका व्यवहार किया गया, कुव्यवहार किया गया और इसका अब्यूज किया गया। दिस वैल्यूएबल नैरकोटिक ऑक्युपाइज ऑक्यूपाई मोस्ट एनामोलियस पोजीशन एज ए थेरापूटिक एजेंट, सो मेनी मेडिकल मेन आर यूजर ऑफ इट इन सम फॉर्म दैट दे आर प्रोन टू ओवरलुक इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एज ए डिजीज प्रोड्यूसिंग फैक्टर इन द एलिमेंट्स ऑफ देयर पेशेंट, है ना, डिजीज प्रोड्यूसिंग एलिमेंट के रूप में इसको है। और आज यह दवा के रूप में और पूरे जगह पर यह बैन है, यह आप टोबैको को ये खेती नहीं कर सकते हैं, इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, एक्साइज डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ता है। और अब जो है इसका यूज जो है इसको मेडिसिनल, इसके एल्कोलाइड्स को निकालने के लिए जो यूज किया जाता है
वह बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में केवल मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए किया जाता है। इसके बहुत सारे यूजेज हैं। द कल्टीवेशंस मैन्युफैक्चर यूज द टोबैको आइदर फॉर स्मोकिंग स्नफिंग और च्यूइंग रैपिडली बिकम यूनिवर्सल। और मेडिसिन के रूप में भी इसके इंट्रोड्यूस किए गए, proving made by lambicate, skirte and other partially poisoning and overdosing. Several instructive articles on tobacco appeared in the homeopathic news in 1897 from the pen of Amy Douglas, then practicing at Danville, Virginia, in the midst of tobacco plantations. It was regarded as a perfect panacea by the Virginian for disease of men and cattle. One use he mentioned is as a palliative फॉर बी स्टिंग्स एंड मस्कीटो बाइट्स। कहते हैं कि मधुमक्खी अगर काट लिया और मच्छर काट लिया तो उसके लिए यह टोबैकम जो है तो बहुत ही उपयोगी है। इसके आइए सिम्टम्स को हम लोग देखते हैं। ग्लूमी मेलनकॉली इंक्लिनेशन टू वीप, बार बार रोने का इच्छा, उदासी है ना, और रोने की इच्छा होती है, शांत नहीं रह पाते हैं, और खास करके शाम के समय में। शाम जो है तो जैसे शाम के समय में लोग नशा के लिए करते हैं, उसी तरह से शाम के समय में इन्हें एक लत, एक चाहत भीतर से होती है और वह पूरा नहीं होता है, इससे उदासी इनके लिए बनी रहती है। सडन पीरियोडिकल एंजाइटी, इनके जो एंजाइटी सडननेस इनका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। सडननेस मेंटल स्टेट लेवल पर भी, और एक 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 पीरियोडिसिटी में, एक पीरियोडिकल माने एक समय पर, खास समय के बाद पर इन्हें एंजाइटी आने लगते हैं। सो सडन पीरियोडिकल एंजाइटी इसके प्रमुख लक्षणों में से आता है। रेस्टलेसनेस, प्रॉम्प्ट कंटिन्यूअल चेंजेज ऑफ प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह काम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा चक्कर रहता है, मेंटल फैकल्टी लगता है काम नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ये इस तरह की बेचैनी बनी रहती है, हमेशा अस्त व्यस्त रेस्टलेस बने रहते हैं या टोबैको पेशेंट्स। हीट एग्रेवेट्स एंड कोल्ड एमोलरेट्स, और अनकवरिंग द एब्डोमेन, अपने पेट को उघार करके रखते हैं है ना, गर्म से इनका कष्ट बढ़ता है, कोल्ड से एमोलरेट होता है। मोशन सिकनेस, गाड़ी में चलने से इनको उल्टी होता है, कार में, बोट में, कांस्टेंट नौसिया, वॉमिटिंग ऑन लिस्ट मोशन, थोड़ा सा भी चलने से वॉमिटिंग नौसिया होने लगता है, और आराम मिलता है इन्हें फ्रेश एयर से और नौसिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद दीज मॉडलिटीज। सडन कोल्ड स्वेट, अचानक पसीना आएंगे है ना, विथ चिल इन रेनल कॉलिक एंजिना पेक्टोरिस एक्सेट्रा है ना, रेनल कॉलिक में, एंजिना पेक्टोरिस में, चिल के साथ में, सिहरन के साथ में अचानक पसीना आता है, और जब भी अचानक पसीना आने की बात आती है तो टोबैकम को सोचा जा सकता है। प्रोफ्यूज, इनके जो भी सिक्रेशंस होते हैं, जो भी डिस्चार्जेज होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे प्रोफ्यूज वॉमिटिंग, प्रोफ्यूज परस्पिरेशन, प्रोफ्यूज लैक्रिमेशन, प्रोफ्यूज सैलिवेशन, कोई भी चीज होगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, ये इसके जनरल सिम्टम्स के अंदर में आता है। पैरोक्सिज्म, एक दौरा में सिम्टम्स ऑकर इन पैरोक्सिज्म, नौसिया आया, उसके बाद में एक दौरा में आया, झटका आया, फिर ठीक हो गया, फिर होने लगा है ना, तो एक लहर के जैसा आना जाना, वेव्स के फॉर्म में इनके सिम्टम्स आते हैं, हेडेक हुआ या वर्टिगो हुआ, छींक हुआ, ये सब इनको एक लहर के रूप में आते जाते हैं। सडन है ना, अब मैंने बताया मेंटल एंजाइटी सडन, पेन भी उसी तरह से सडनली आती है, अचानक आने शुरू करते हैं। फेंटनेस इन क्लासरूम, क्लोज रूम है ना, क्लासरूम क्लोज रूम, जहां जगह बंद है तो वहां पर ये ओपन एयर इनको पसंद है।
कनेक्शन कट गया था, सॉरी। फेंटनेस इन क्लोज रूम, है ना, क्लोज रूम में फेंटनेस हो जाता है, ठीक है ना, ये इसका एक सिम्टम्स है। दूसरा है पर्टिकुलर, इसके बहुत सारे पर्टिकुलर है। देखिए ये वेल प्रूव्ड मेडिसिन के अंदर में नहीं आता है, जहाँ वेल प्रूव्ड मेडिसिन नहीं होते हैं उसमें पर्टिकुलर सिम्टम्स ज्यादा होते हैं और जनरल सिम्टम्स कम दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जनरल सिम्टम्स मतलब कि उसका ज्यादा जगह पर एप्लीकेबल होगा तो जनरल सिम्टम्स के रूप में दिखाई पड़ता है, अन्यथा पर्टिकुलर सिम्टम्स में। तो नौसिया जो है तो स्पेसिफिक इन एक्यूट सीवियर नौसिया दैट इज मेन सिम्टम्स एंड विल ऑलवेज बी इन एक्शन। फिर एक्सेसिव वर्टिगो, है ना, नौसिया, ये एग्रीवेशन। रेटिना रिटेन्स इमेजेस टू लॉन्ग, कोई इमेज आ गया और वह दिमाग में बहुत देरी तक बना रहता है। फेस डेथली पेन, मच स्पीटिंग, मुंह से बार बार थूकते रहते हैं कोई भी कंप्लेंट के साथ में। एंजिना पेक्टोरिस एंड नौसिया, कोल्ड स्वेट एंड पलैप्स, एंजिना पेक्टोरिस एंड कोरोनरी स्क्लेरोसिस एंड हाई टेंशन, पाठक जी ने कहा। मेमोरी डिजीज विथ फीलिंग ऑफ सी सिकनेस, ये पाठक जी का ये है। ये शरीर के नर्वस सिस्टम, सेरेब्रो स्पाइनल वेगस, सिंपैथेटिक गैंग्लिया, हार्ट ग्लैंड सिक्रेशंस एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करता है। मॉडलिटी मॉडलिटी वर्स मोशन और राइडिंग लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, लिस्ट मोशन हीट, ओपनिंग द आई इवनिंग, वार्म रूम वॉकिंग, बेटर कोल्ड फ्रेश एयर, फ्री लाइट, अनकवरिंग एब्डोमेन, वॉमिटिंग विनेगर, कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड वाटर, कोल्ड ऑन द हेड। इनको खाने में नापसंद है कोल्ड वाटर, स्मेल ऑफ द टोबैको, डिजायर फॉर द टोबैको एंड एल्कोहल एंड वर्स अल्कोहल एंड टोबैको। इनका केंद्र जो मुख्य लक्षण है सडन एंड पीरियोडिकल एंजाइटी, पसीना कोई भी चीज होगा तो सडन होगा, हीट से एग्रीवेशन होगा, कोल्ड से एमरेशन होगा, डिस्चार्जेज जो है सो बहुत ही ज्यादा होगा, प्रोफ्यूज होगा, और नौसिया जो होगा सो डेथली नौसिया एंड वॉमिटिंग, ऐसे लगता है कि अब खत्म हो जाएंगे, और जरा सा भी मोशन से, और ओपन एयर में आराम मिलता है, बार बार थूकने की प्रवृत्ति होती है, यह कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स के रूप में होता है। यही इस दवा का प्रमुख लक्षण है। मैं समझता हूँ कि ये छोटी सी दवा तो जरूर है लेकिन बहुत ही उपयोगी है, इसे आप लोग अपने इसको थोड़ा सा अध्ययन कीजिए और कंपेयर करने का कोशिश कीजिए आपको सोलेनेसी फैमिली के और दवा से। तो इसके साथ में यह क्लास, ये मेरा टोबैको के ऊपर में मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है।